बच्चों, आज की कहानी का नाम है रेशमी धागा और राक्षस। बहुत समय पहले की बात है, ढोलकपुर नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। गांव के पास ही एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत शक्तिशाली राक्षस राखा रहता था। वह जंगल और आस पास के सब प्राणियों को मारकर खा जाता था, और जब कभी उसे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलता था तो वह ढोलकपुर गांव में जाकर गांव वालों की गाय बकरी उठाकर ले जाता था। गांव वालों के बीच राखा राक्षस की बहुत दहशत थी। गांव के लोगों ने अपने राज्य के राजा से इस राक्षस को पकड़ने की गुहार लगाई तो राजा ने यह घोषणा की, जो भी व्यक्ति इस राक्षस को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत अधिक धन दिया जाएगा। गांव के बहुत से बलवान लड़कों ने उस राक्षस को पकड़ने की अपनी अपनी तरकीब लगाई। एक लड़के ने राखा को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर एक बड़े से पिंजरे में पकड़ लिया, लेकिन राखा इतना ताकतवर कि उसने वो पिंजरा तोड़ दिया और भाग गया। दूसरे लड़कों ने उसको पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राखा ने उन जंजीरों को भी तोड़ दिया। सभी लड़कों ने अपने अपने तरीकों से प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसी गांव में एक रानी नाम की लड़की रहती थी। रानी को जब ये पता चला तो उसने भी राखा को पकड़ने की सोच ली। अपने माता पिता को समझाने के बाद वह राज्य के राजा के पास गई। उसे देखकर राजा ने कहा, बेटी, जो कार्य इस राज्य के बलवान लड़के नहीं कर पाए तो तुम इस कार्य को कैसे कर पाओगी? तुम तो इतनी कोमल सुकुमारी हो। लेकिन रानी ने राजा को भरोसा दिया कि वह उस राक्षस को पकड़ लेगी। राजा से बात करने के बाद वह जंगल की तरफ चल पड़ी। वह जंगल के बीचों बीच जैसे ही पहुंची, विशालकाय राक्षस राखा उसके सामने खड़ा हो गया। रानी को देखकर राखा जोर से हंसा और बोला, अरे ओ लड़की, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुमको नहीं पता ये मेरा इलाका है? तुमको मुझसे डर नहीं लगता? रानी ने साहस से राखा से कहा, मैं तुमसे भला क्यों डरूंगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बल्कि मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। रानी की बात सुनकर राखा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और बोला, अरे सारे लोग मेरे नाम से डरते हैं और तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ चली आई, ऐसा क्या काम है तुमको मुझसे? रानी ने बहुत ही प्रेम से जवाब दिया, मैं अपने माता और पिता की एक ही संतान हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है। मैं हमेशा से चाहती कि कोई बलवान भाई मेरा भी हो। जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे भाई हो सकते हो, तो मैं तुमको अपना भाई बनाने के लिए यह एक रेशम का धागा लेकर आई हूँ। क्या तुम मेरे भाई बनना चाहोगे? राखा से किसी ने भी इतने प्रेम से बात नहीं की थी। राखा का दिल रानी की बातों से पिघल गया और उसने रानी के बात मान ली और अपनी कलाई पर रेशम का धागा बंधवा लिया और रानी से बोला, ओ मेरी छोटी बहन, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रानी बोली, कुछ नहीं, बस तुम जंगल में ही रहा करो। तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे कि हमारे राज्य का कोई भी नुकसान हो और किसी भी इंसान को हानि हो। क्या आप इतना वचन दे सकते हो? इस पर राखा ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे राज्य और राज्य के नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे राज्य के रक्षा करूँगा। इस तरह रानी ने अपनी होशियारी से और अपने प्रेम और साहस से अपने राज्य को बचा लिया। राजा ने रानी को बहुत सारा धन दिया और सभी गांव वालों ने भी उसका बहुत सम्मान किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि कभी कभी जो काम ताकत से नहीं होता वह काम प्रेम से हो जाता है।